अस्सलाम वालेकुम। तीसरा रोज़ा बाद नमाज फजर। या हाफिज़ो, ए हिफाजत करने वाले, या रहमान हो, ए नहायत मेहरबान, सो मरतबा पढ़िए। बाद नमाज ज़ोहर। या नासिर हो, ए मदद करने वाले, या रहमान हो, ए नहायत मेहरबान, सो मरतबा पढ़िए। बाद नमाज असर। या बासित हो, ए फराखी करने वाले, या रहमान हो, ए नहायत मेहरबान, सो मरतबा पढ़िए। बाद नमाज मगरिब ये दुआ 21 मरतबा पढ़िए। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक़। मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह के तमाम कलमात की तमाम मखलूक के शर से। बाद नमाज ईशा आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़िए। तीन किस्म के आदमी जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे, एक धोखा देने वाला, दूसरा वकील और तीसरा एहसान जताने वाला। अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता हो? जिसके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, इसे पाना या ना पाना एक ही बात है। करने वाले की तारीफ और नफरत करने वाले की तनकीद खोखली होती है। माफ़ करना शराफत और बदले में जल्दी करना कमीनगी है। बस परस का पेट भर जाए तो मन खाली हो जाता है, मन भर जाए तो पेट। गालियाँ खाकर खामोश रहना बड़ी बात नहीं, जितना अपनी तारीफ सुनकर अपने आप में रहना बड़ी बात है। तेरी कुदरत मैं समझूं, तेरी उकार नहीं यारा। मुझे सब कुछ अता करना, बस एक गुमराह ना करना। अली ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला को याद करता है बिना शब्बा अल्लाह ताला भी याद करता है।